हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सत्यमंडल, साइकोलॉजिस्ट एंड माइंड थेरेपिस्ट। आज हमारे देश में क्रॉनिक डिजॉर्डर्स, इट मे बी साइकोसोमाटिक और ऑटो इम्यूनिटी डिजॉर्डर, इसके जो रेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। क्यों ऐसा है? हम खाने पीने की और हमारी जो जीने की जो प्रक्रिया है, जो शैली है, उसमें बहुत सारा सुधार कर चुके हैं, फिर भी इतना ज़्यादा मात्रा में क्यों हम रोग से ग्रस्त हो रहे हैं? अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि क्यों, इसका पीछे रीजन क्या हो सकता है, आपके मन में पहला जो आंसर आ सकता है वो है हमारी खाने पीने या फूड। मान लीजिए आपकी बात सही है, हमारी खाने पीने की जो आदतें हैं उससे शायद हमारा डिजीज क्रिएट बढ़ रहा है। लेकिन हम दिन में कितना बार खाते हैं? 4 to 5 times। अगर 4 to 5 times हम खा रहे हैं, उससे अगर हमारी बीमारी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो 4 to 5 times बढ़ रहा है। आपकी माने तो 4 to 5 times दिन में, 24 hours में 4 to 5 times आप खुद को क्षति पहुंचा रहे हैं, खुद को डिजीज क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट रीजन अगर देखा जाए, बोले कि लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, यस इट मे बी ट्रू। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे तो दिन में कितना बार कर सकते हैं? एक बार कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कर सकते। यानी कि हम अगर नहीं कर रहे तो 2 बार हम हमारे शरीर को क्षति पहुंचा रहे हैं। या थर्ड में भी फैक्टर ये हो सकता है कि आपके मन में कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, डस्ट की वजह से हमारे डिजीज की रेट बढ़ रहा है। यस यू मे बी ट्रू। लेकिन अगर यहाँ पे कंपैरिजन करें शहर की और गांव की, गांव में आज भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे एनवायरमेंट बहुत ही क्लियर है कंपेयर टू शहर। तो यानी कि इसके अगर एनवायरमेंटल फैक्टर होता है तो शहर के लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं कंपेयर टू गांव के लोग। लेकिन क्या ये जो क्रॉनिक डिजीज, रिमाटिज्म हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ये सारे डिजीज गांव में नहीं है, ये सिर्फ शहर में है क्या? नहीं है। यानी कि ना तो खाने पीने, ना तो हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, ना तो हमारे एनवायरमेंट, ये कोई भी फैक्टर इतना महत्व नहीं रखता हमारी जो आज की बढ़ते हुए डिजीज क्रिएट के मामले में। तो क्या ऐसा फैक्टर है जो कि ज़्यादा हमको डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो ज़्यादा जिम्मेदार है आज की इंक्रीजिंग रेट्स के लिए? वो है हमारी सोच। यस, हम एक दिन में लगभग 60,000 thoughts लेते हैं, यानी कि 60,000 times हम सोचते हैं। आप दिन में अगर खाना खाएंगे तो 4 times या 5 times खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो 1 time या 2 times करेंगे, लेकिन आप दिन में 60,000 times सोच रहे हैं। कोई ना कोई थॉट, कोई ना कोई सोच आपके मन में चल रहा है। और हमारी जो सोचने की प्रक्रिया है, उससे जो फीलिंग्स है, उससे जो बिलीफ सिस्टम बनता है, वो सारे मैक्सिमम क्षेत्रों में नेगेटिव पाया गया है। ये एक ही रीजन है जो कि आज के टाइम में साइकोसोमाटिक और ऑटोइम्यूनिटी डिजॉर्डर के लिए इतना हाईली रिस्पॉन्सिबल है, जो हमको कभी पता भी नहीं है। हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है इसके बारे में, कि हमारे थॉट भी, एक एक थॉट, एक एक सोच हमको रोग में ग्रस्त कर सकता है। इसके बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं है। कॉमनली हम फूड को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, या हमारे एनवायरमेंट को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, या हमारे लाइफस्टाइल को मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कितना भी कॉन्शियस हो जाए आपके लाइफस्टाइल के बारे में, आपके फूड के बारे में, आपके एनवायरमेंट के बारे में, फिर भी आपको डिजीज पकड़ रहा है, डेली नया नया डिजीज हो रहा है। इसके पीछे एक ही रीजन है, ये है आपकी सोच। तो चलिए आज ये वीडियो में जानते हैं हमारी जो सोचने की प्रक्रिया है, हमारी जो बिलीफ्स है, हमारी जो मान्यताएं हैं, उसको कैसे हम बदल सकते हैं या एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। हमको अगर ये सारे डिजीज से बच के रहना है तो हमको कुछ आदतें चेंज करना पड़ेगा, कुछ नए हैबिट्स बनाना पड़ेगा, हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ नए हैबिट्स को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको 5 आदतें के बारे में बताने वाला हूँ। ये 5 steps को अगर आप फॉलो करेंगे डे बाय डे, डेली विदाउट मिसिंग 1 day, तभी जाके आप खुद को मैक्सिमम 90% क्षेत्रों में आप ये डिजीज से दूर रह सकते हैं। ये एश्योरेंस है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। पहला तो है आपको डेली योगा या एरोबिक एक्सरसाइजेस कुछ समय तक 30 to 40 minutes या 45 minutes करना ही है।
एरोबिक में आप साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं या डायनेमिक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप योगा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे और कोई फिजिकल एक्सरसाइजेस के बारे में नहीं बता रहा हूँ। आपको जो आदतें साइकोसोमाटिक या ऑटो इम्यूनिटी डिजॉर्डर के लिए फाइट करने के लिए चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। तो पहला है योगा या एरोबिक एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, 30-45 मिनट्स इसका टाइम टेबल रहना चाहिए। नेक्स्ट आपको करना क्या है, नेक्स्ट आपको डायनामिक ब्रीदिंग, जो डीप ब्रीदिंग, इसका पूरा एक्सरसाइजेस हमारा यूट्यूब चैनल पे है, आप देख सकते हैं। डायनामिक ब्रीदिंग को आप 30 मिनट्स एटलीस्ट कीजिए। डायनामिक ब्रीदिंग आपको 30 मिनट करना है, योगा आपकी योगा या एरोबिक कुछ भी आपको 45 मिनट्स का या 30 मिनट्स का हो गया। नेक्स्ट है आपको माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि माइंडफुलनेस से हमारे जो प्रेजेंट मोमेंट में रहना, क्योंकि ज़्यादातर नेगेटिव इमोशंस हमारे पास से या फ्यूचर ले को आ जाती है, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना ये माइंडफुलनेस सिखाती है। इसका भी आने वाले टाइम में आपको सीरीज मिल जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल पे, वो सारे को आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट साइकोथेरापी टैपिंग, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस, एंगर, फियर, एंजाइटी, जेलसी, रिसेंटमेंट, ये सब जब भारी पड़ जाता है तब हमारे पास कोई उपाय काम नहीं करता, हमको कोई मेडिसिन काम नहीं करता। तो इसलिए साइकोथेरापी टैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जिसका टोटल डेमोन्स्ट्रेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है, आप उसको देख सकते हैं। ये आपको नेगेटिव इमोशंस रिलीज करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट है मेंटल डाइट। आप फिजिकली क्या खा रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। आपको मेंटल डाइट क्या है, यानी कि आपकी एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड में आप कौन सी थॉट ले रहे हैं, किस प्रकार सोच रहे हैं, आपकी कोई भी सिचुएशन को लेकर नजरिया क्या है, ये सारा आपको चेंज करना पड़ेगा और सही तरीके से आपको मेंटल डाइट लेना पड़ेगा। यानी कि ये 5 आदतें अगर हम डेली रूटीन में ऐड कर लेंगे, डेली सुबह उठकर 2 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स अपने ऊपर अगर इन्वेस्ट करेंगे, तभी जाके हम एक हेल्थी लाइफ लीड कर सकते हैं। हमारे आदतें ये चेंज करना बहुत ही जरूरी है और इसको ऐड करना बहुत ही जरूरी है। आपको 30 मिनट्स के योगा, 30 मिनट्स के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, 10 मिनट्स के आपको साइकोथेरापी एक्सरसाइजेस, उसके बाद माइंडफुलनेस एंड मेंटल डाइट, ये 5 आदतें आपकी लिस्ट में आज से ऐड कर लीजिए। अगर आप सही में चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, एक आने वाले टाइम में आपको लाइफ में सारे खुशियां मिले, तो ये 5 आदतें आज से आपको एडॉप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे पास सब कुछ है, अगर लाइफ में हम फिट हैं तो हमारे लाइफ भी हिट है।